बेडशीट का व्यापार हमेशा चलने वाला कारोबार है। बेडशीट के इस्तेमाल करने का पुराना पारंपरिक रवैया अब काफी बदल गया है। पहले जहां लोग बेडशीट्स कई सालों तक चलाया करते थे, वहीं अब लोग जल्द जल्द बदलने लगे हैं। इससे भी चादरों की डिमांड मार्केट में बढ़ रही है। बेडशीट्स का बिजनेस कैसे शुरू करें? बेडशीट का बिजनेस शुरू करने के अनेक तरीके हैं, जैसे अपनी चादरें बनाकर थोक मार्केट में सप्लाई करें, खुद की बनी चादरों की दुकान खोलकर व्यापार करें, थोक मंडी से चादरों को खरीदकर फुटकर व्यापारियों को बेचें। बड़ी बड़ी कंपनीज की फ्रेंचाइजी लेकर भी बिजनेस शुरू किया जा सकता है। छोटे लेवल पर तो थोक मंडियों से चादरें लेकर फेरी लगाकर और वाहनों में रखकर बिजनेस किया जा सकता है। अब हम यहाँ जानते हैं कि बेडशीट किन किन किस्मों के कपड़ों के बनती है। कॉटन यानी सूती, साटन चिकने कपड़े की, रेशमी कपड़े की, पॉलिस्टर की, सिंथेटिक की, कॉटन और टेरिकॉट मिक्स। कितने साइज की बेडशीट बेची जाती हैं? सिंगल बेड की, सेमी डबल बेड की, डबल बेड की, किंग लॉन्ग, क्वीन साइज, चाइल्ड साइज। किस तरह बेडशीट बेचें? आपको अपने बिजनेस वाले एरिया में सर्वे करके अपने ग्राहक तलाशने होंगे। ये ग्राहक कपड़े की दुकान वाले होते हैं जहां सभी तरह के कपड़ों के साथ बेडशीट्स भी बेचे जाते हैं। इसके अलावा उसी मार्केट में केवल चादर बेचने वाले विक्रेता भी आपको मिल जाएंगे। आपको उनसे संपर्क करना होगा और उन्हें अपने माल को दिखाना होगा, उसके रेट भी बताने होंगे। यदि आपकी क्वालिटी और रेट पसंद आया तो वो आपसे माल खरीदेंगे। यदि इसमें दिक्कत आ रही है तो आपको नए सिरे से सोचना होगा कि कौन सी समस्या है, उसका समाधान करना होगा। उसके बाद आपके बिजनेस की बात बन जाएगी। कौन कौन से संस्थान हो सकते हैं ग्राहक? आपको ऐसे संस्थानों में बेडशीट बेचने की कोशिश करनी चाहिए जहां पर थोक भाव में चादर खरीदी जाती हैं। ऐसे संस्थानों में होटल, रेस्ट हाउस, अस्पताल, बोर्डिंग स्कूल, हॉस्टल। इन संस्थानों के मालिकों और प्रबंधकों और अधिकारियों से संपर्क करें, बेडशीट्स की सप्लाई की जा सकती है। और कहां बेचे जा सकते हैं बेडशीट? इसके अलावा आप बाजार में दुकान खोलकर बेडशीट्स का बिजनेस कर सकते हैं, फुटकर दुकानों में भी सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आसपास के स्थानीय बाजार, हाट, पैट, मेलों में भी दुकान लगाकर माल बेच सकते हैं। आजकल बिजनेस नए तरीके से किया जा रहा है। अब वैन, कार, इलेक्ट्रिक रिक्शा आदि वाहनों को चलती फिरती दुकान बनाकर कारोबार किया जा रहा है। यह व्यापार व्यापारियों और खरीदारों दोनों को भा रहा है। इस बिजनेस में काफी फायदा हो रहा है। जहां बिजनेसमैन को घूम घूम बेचने से अच्छी संख्या में ग्राहक मिल जाते हैं, वहीं ग्राहकों को अपनी मनपसंद की बेडशीट्स भी घर पर बैठे बैठे सस्ती दरों पर मिलती है। इस बिजनेस में आने वाली लागत। छोटे लेवल पर यानी स्मॉल स्केल पर यह बिजनेस थोक मंडियों से बेडशीट्स लेकर फुटकर ग्राहकों को बेचना होगा। इसमें आपको दुकान की लागत, किराया, माल खरीदने की पूंजी एवं एक सहायक की सैलरी लगेगी। इस तरह का बिजनेस शुरू करने के लिए कम से कम 3 से 5 लाख रुपए लग सकते हैं। मीडियम लेवल के बिजनेस पर यानी आप थोक मंडी से बड़े पैमाने पर बेडशीट्स खरीदकर फुटकर विक्रेताओं को बेचना होगा। ये बिजनेस अधिक पूंजी और कम मुनाफे वाला होता है, लेकिन सेल अधिक होने से ये मुनाफा बढ़ जाता है। इस तरह के बिजनेस में 10 से 15 लाख रुपए लग सकते हैं। लार्ज स्केल पर बिजनेस वो होता है जो निर्माताओं से माल खरीद कर स्टोर करे और थोक सप्लायर को माल बेचे। इसके साथ ही उन सप्लायर्स को भी माल बेचे जो सरकारी और शैक्षणिक संस्थानों में बड़े पैमाने पर बेडशीट्स की सप्लाई करते हों। ऐसे लोगों के बिजनेस में 15 से 20 लाख की आवश्यकता होती है। इस बिजनेस में कितना होगा मुनाफा? इस बिजनेस में मुनाफा सबसे अधिक सरकारी सप्लाई करने वालों को होता है। इसके बाद फुटकर विक्रेताओं को होता है। इसके बाद थोक विक्रेताओं और बड़े बड़े डीलर्स को होता है। फुटकर विक्रेताओं का मुनाफा उनकी दुकान की लोकेशन, उनके स्केल पर निर्भर करता है। वो अपने ग्राहकों का विश्वास कितना जीत सकते हैं। इसके अलावा थोक विक्रेताओं का व्यापार तो बिजनेसमैन से ही होता है, इसलिए उनका मुनाफा सीमित हो जाता है। इसी तरह डीलर्स का भी मुनाफा सीमित होता है, फिर भी सरकारी सप्लायर्स को बेडशीट्स के बिजनेस में 50% तक मुनाफा मिल जाता है। फुटकर विक्रेताओं को ये मुनाफा 30% तक रहता है। थोक विक्रेताओं का मुनाफा 15 से 20% तक रहता है। बड़े सप्लायर्स को मुनाफा 10% के आसपास ही।